गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का यह मेरा चैनल है और यूट्यूब के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। मित्रों, बड़े प्रेम से मैंने गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरुमंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहां देखो, वहां एक घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप चाहते घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहते, नमो नारायण। नमो नारायण। 1 अप्रैल सन 2018 और रविवार का दिन, क्या आपको धन का लाभ नहीं हो रहा है? क्या आपकी संतान आपकी बात नहीं माननी है या फिर संतान संबंधी परेशानियों का सामना करना? मन हमेशा विचलित रहता है, डिप्रेशन में रहता है या फिर मंदांगनी की बीमारी है? इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर मैं आया हूं आज गुरु मंत्र में नमो नारायण। अप्रैल का महीना प्रारंभ हो रहा है और विवादित बयान देता नहीं क्योंकि मेरा विषय विवाद है नहीं। साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूं और हृदय के भावों को लेकर अपने राष्ट्रवासियों के सामने आता हूं। आक्रांताओं ने भारतीय सनातन संस्कृति से बहुत छेड़छाड़ करी है और आपको पता है कि आज हम लोग भी आपस में अप्रैल फूल मनाएंगे, एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। आप समझदार हैं, क्या कारण था, क्यों कारण था, आप सभी जानते हैं। कम से कम अब तो जगना चाहिए और राष्ट्रहित में सोचना चाहिए। आज महिला का पहला दिन है, सभी राशियों के लिए विशेष उपाय भी बताऊंगा। कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन वो तो बताऊंगा, लेकिन अप्रैल आपके लिए अच्छा बीते उसके लिए विशेष उपाय भी बताऊंगा। उससे राशियों पे आऊं, उससे पहले गुरुमंत्र का पहला उपाय, धन लाभ नहीं, प्रयासों के बावजूद भी सफलता दामन नहीं छूती है, असफलता हाथ लगती है। किसी भी शुक्रवार दिन अपने घर में पूजा स्थान में गजलक्ष्मी माँ की तस्वीर श्रद्धापूर्वक स्थापित करिए, जल गंगा जल का छीटा दीजिए, हर रोज नित्य क्रम में स्नान उपरांत माँ के श्री विग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, चमो का दीपक, तो लौंग अपने ऊपर 7 बार उसार दीपक में डाल दीजिए, माँ का सदाव्र पंचविचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 108 बार ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करिए, माँ लक्ष्मी को खीर या हलवे का भोग लगाए। अपने घर में ईशान कोण में भूमि से 2.5 फीट ऊपर तुलसी का पौधा लगाए, आप करके देखिएगा जीवन की दशा और दृष्टि बदल, ये अद्भुत है आपके लिए। नमो नारायण। और बात करते हैं रविवार के पंचांग की। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2075 रविवार का प्रातकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र चंद्रमा कन्या राशि में, और बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह। 1 अप्रैल आपका जन्मदिन, ये फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 1 अप्रैल आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कैरियर कारोबार परिवार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी झेलनी पड़ रही, तो ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं 2018 में इसको अपना दीजिएगा, 2018 आपके लिए मनोनुकूल देगा। किसी भी रविवार के दिन 800 ग्राम गुड़ किसी निर्धन गरीब विधवा स्त्री को दान में दीजिए, ऐसा 8 रविवार देके देखिएगा, कष्ट मिट जाएंगे। 7 रविवार दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 7 तांबे के चकोर टुकड़े
अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और किसी वीरानी भूमि में दबा दीजिए, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। हर रोज भोजन से पूर्व घर की पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाए, संपूर्ण उन परेशानियों का निवारण होगा और 2018 आपके लिए अच्छा बीतेगा। यदि आपका जन्म 1 अप्रैल को हुआ है, अगला कदम सितारों की ओर, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए मैं बात करूंगा रविवार की राशिफल की। नारायण, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, आर्थिक लाभ की इच्छा पूरी होगी, सास और मनोबल बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, कारोबार में और आयात निर्यात के कार्य में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में लोग आपका सम्मान करेंगे, शुभ कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और धन की प्राप्ति होगी। आज का गोचर बड़ा शुभ है मेष राशि वालों, लेकिन मेरी बात याद रखना, किसी के साथ अप्रैल फूल नहीं मनाना। इस संसार में मनुष्य अपने से ज्यादा मूर्ख किसी को समझने लग जाता है, फिर उसका नुकसान शुरू हो जाता है। हमेशा दूसरों को समझदार समझना चाहिए और ये जो इन आक्रांताओं ने हमारे ऊपर लादा है, इसे हमें बाहर आना चाहिए। अप्रैल का महीने का पहला दिन है और आप चाहते हैं कि ये अप्रैल आपके लिए शुभ और मंगलमय बीते। इस अप्रैल के महीने में हर मंगलवार को श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, सुदासन में बैठ जाए, ओम हम पवन नंदना ईश्वा इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में हर मंगलवार को 108 चुटकी सिंदूर अर्पित करें। पूजा के उपरांत किसी गरीब निर्धन कन्या को भोजन कराएं, गुड़ का दान जरूर दें। अप्रैल आपके लिए शुभ बीतेगा। न मनाएं क्या करें, नए लोगों से मित्रता करना उत्तम रहेगा। क्या ना करें, किसी से उधार धन का लेन देन आज ना करें। न मनाएं और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों ग्रह नक्षत्र मध्यम संकेत दे रहे हैं, प्रयासों से सफलता मिलेगी लेकिन प्रयास सार्थक रहेंगे, परिस्थिति में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा और कारोबार के क्षेत्र में संयम पूर्वक कार्य करने से लाभ भी मिलेगा। परिवार में आपकी सुलह और सहयोग से समन्वय बना रहेगा, सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। बहुत सुंदर गोचर है, कहीं भयभीत होने का जरूरत नहीं। और वृषभ राशि वालों आप चाहते हैं कि अप्रैल का पूरा महीना खुशियों से बीते, छोटा सा उपाय, हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार दही किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें, कोई आवश्यक कारोबारी यात्रा है तो आप संपन्न कर सकते हैं आज के दिन। क्या ना करें, लिखित में कोई समझौता ना करें। नमोनाथ। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले गणनाएं आपके पक्ष में करवट ले, सितारे अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे, भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है, समय प्रतिकूल है। मिथुन राशि वालों गोचर यह संकेत है कि व्यर्थ के वाद विवाद से आज के दिन बचना आवश्यक होगा। यदि भोग विलास में रुचि बढ़ी तो खर्चा बढ़ जाएगा, समय और धन का अपव्यय होगा, उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। कार्यों में रुचि रखना बहुत जरूरी, यदि कार्यों में रुचि कम हुई तो लाभ जगह हानि होगा और मन दुखी रहेगा। मिथुन राशि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आज शारीरिक और मानसिक तनाव है, गोचर आज अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, छोटा सा उपाय है, श्रद्धानुसार साबुत मूंग अपने ऊपर से 7 बार उसारी और किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए। और आप चाहते हैं कि अप्रैल का महीना पूरा शकुन और शांति से बीते तो हर बुधवार को मां भगवती दुर्गा के श्री चरणों में गाय का घी का दीपक जलाई और हरी चुनरी भेंट करिएगा, अप्रैल आपके लिए शुभ बीतेगा। नमो नारायण। क्या करें, विचारों को संतुलित बनाकर चले। क्या ना करें, कारोबार हो चाहे यात्रा, लापरवाही आज न बढ़ते न मना रहे। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, करक सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले रविवार का राहु काल और रविवार की यात्रा। रविवार का राहु काल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना गया माना नहीं गया, ये सलाह मेरी मर्जी आपकी। और बात करते हैं आज की यात्रा। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मेरा कहना है कि समय और साधनों में बहुत परिवर्तन हो गया है, आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन रविवार दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के उपरांत
किसी गरीब को भोजन कराएं और मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे जाए तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि सितारों की चाल अनुकूल है। कर्क राशि वालों आज के संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणना ही आपके पक्ष में करवट ले रही है। विशेष कार्य में सफलता मिलेगी, मनोकामना पूर्ण होगी, आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, भूमि और वाहन का लाभ मिलेगा, पारिवारिक अनुकूलता से प्रसन्नता होगी और यात्रा बड़ी सफल रहेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए आज का गोचर बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभकारी है। क्या करें, वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें तो राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। ना मना रहे कर्क राशि वालों, आप चाहते हैं कि अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ और मंगलमय भी दे तो अप्रैल के महीने में हर सोमवार को श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पंचप्रचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, गन्ने के रस से हर हर महादेव का जाप करते हुए, शिव गायत्री का जाप करते हुए या मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ और कल्याणकारी बीतेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, किए गए प्रयास सार्थक होंगे, परेशानियों से मुक्ति मिलेंगे, नए कारोबारी संबंध आपके लिए बड़ी लाभकारी रहेंगे और पारिवारिक सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा और पारिवारिक सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कार्य स्थिति ठीक रहेगी, खर्चा जरूर है लेकिन लाभ मिलेगा, कहीं डरने की जरूरत नहीं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य और यात्राओं का वियोग है, इन कार्यों पर धन खर्च होगा लेकिन तकलीफ नहीं है। नमो नारायण। क्या करें, थोड़ा सा पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए, क्या ना करें, झूठ और धोखे से कार्य ना करें। नमो नारायण। सिंह राशि वालों आप चाहते हैं कि अप्रैल का महीना आपके लिए सुकून और शांति से बीते क्योंकि अप्रैल का महीने का पहला दिन है आज, तो मैं खाली इतना कहना चाहता हूं सिंह राशि वालों के लिए, हर रविवार को श्रद्धानुसार दूध और चावल की खीर बनाकर कुष्ठ रोगी को अपने हाथ से खिलाइएगा अप्रैल के महीने में हर रविवार, तो ये महीना आपके लिए सुकून और शांति से बीतेगा और परेशानियां आपसे दूर रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों ग्रहों से शुभ सितारों का शुभ संकेत, कार्य में लाभ और नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक सुख बढ़ेगा और देश विदेश की यात्रा का लाभ भी मिलेगा और दिन अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। कन्या राशि क्या करें, कला के क्षेत्र में प्रयास करें, क्या ना करें, लिखित में बिना सोचे समझे बिना पढ़े कोई भी समझौता ना करें। नमो नारायण। कन्या राशि वाले चाहते हो कि अप्रैल का महीना आपके लिए ठीक रहे, चाहते हो कि अप्रैल के महीने में आपको सफलता मिले तो हर बुधवार को श्रद्धानुसार साबुत मूंग, हरे वस्त्र, हरी चीजें, हरी चूड़ियां और दक्षिणा के साथ किसी किन्नर को दान में दे देना, कष्ट नहीं आएगा और यह महीना आपके लिए अनुकूल और शुभ बीतेगा। नमो नारायण। कर्क सिंह कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, बरगद, पीपल और आम ध्यान रखना। मेरा यह कहना कि बरगद, पीपल, आम को कभी भी ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, जो रोशनी को रोकते, जो ऊर्जा को रोकते, बरगद हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया, नारियल हो गया, पाम हो गया, हल्की दिशाओं में नहीं, ईशान कोण में न लगाए। ये घर में पड़ने वाली प्रातःकालीन सौर किरणों को आने में रोकते, ऊर्जा का प्रभाव कर्म से सकारात्मक सोच नहीं रहती, इसे इन्हें हमेशा ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के सुझाव। ये आपकी संतान आपकी बात नहीं मान रही या फिर आपको संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पिता और संतान में मतभेद रहता हो तो आज के दिन 1/4 किलो गुड़ अपने बच्चे 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दे, किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दे या फिर गौशालों को दान में दीजिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों 12वां चंद्रमा है भाई, गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल है, भावों पर काबू रखना पड़ेगा, भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा, कार्यशैली में थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी क्योंकि सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही, आज मानसिक और शारीरिक कष्ट की संभावना, धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कोई आपका अपना आज आपको दगा कर सकता है। आज के दिन कहीं भी पूंजी निवेश करना उचित नहीं होगा,
हानि की संभावना है। सुबह से लेकर शाम तक तुला राशि वालों गोचर सावधान है, छोटा सा उपाय जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आज भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हार श्रृंगार के पुष्प अर्पित करें या फिर गुलाब के पुष्प अर्पित करें, कष्ट कम आएगा, न मना। और तुला राशि वालों, आप चाहते हैं कि ये अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ और मंगलमय बीते, तो आज पहला दिन है। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के श्रीवग्र के सामने गाय के घी का दीपक जलाई और 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा। ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते अप्रैल आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा, नमो नारायण। क्या करें, संतान की उन्नति का प्रयास करें, क्या ना करें, खान पान के प्रति लापरवाही ना करें, नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, समय शुभ, अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, आर्थिक समृद्धि का अवसर मिलेंगे। आज के दिन यदि कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं तो लाभ बढ़ जाएगा। घर में आनंद और उत्साह का माहौल रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य से प्रसन्नता देगा और दिन खुशियों से बीतेगा, नमो नारायण। क्या करें, प्रतिद्वंदी की भी आज प्रशंसा करें तभी आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। क्या ना करें, अनावश्यक परिश्रम और भागदौड़ घर बैठे मोल न ले, नमो नारायण। वृश्चिक राशि वालों, आप चाहते हैं कि क्योंकि आज महीने का पहला दिन है और आप चाहते हैं कि पूरा महीना सुकून और शांति से बीते, तो हर मंगलवार को श्रद्धानुसार गुड़ अपने मुझे 7 बार उसारी और किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा, नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि चलो, ग्रह कुशुम सितारों का शुभ संकेत, संपूर्ण गणनाएं आपके पक्ष में करवट ले रही है। धनुराशि हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मनोकामना पूर्ण होगी, संतान को उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ से भौतिक सुख बढ़ेगा और चारों ओर खुशियां ही खुशियां है, कहीं कोई परेशानी नहीं। आज का दिन आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, नमो नारायण। क्या करें, सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा सा खड़े होना आपके लिए शुभ रहेगा। क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भी आज भागीदार ना बनाए, नमो नारायण। धनुराशि चाहते हैं कि अप्रैल पूरा आपके लिए सुकून और शांति से भी, आज महीने का पहला दिन है और मैं ये चाहता हूँ कि आप हर गुरुवार को अपने घर के पूजा स्थान में भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाएं। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए 3 माला। तत्पश्चात किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को श्रद्धानुसार गाय का घी का दान दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा, नमो नारायण। तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले उपाय और अद्भुत नुस्खा, नमो नारायण। आज का उपाय, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, काम में मन नहीं लग रहा, चारों ओर से आपको निराशा ने घेर लिया, तो ये उपाय लगातार 40 शुक्रवार का, प्रत्येक शुक्रवार दिन नित्य कर्म में स्नान उपरांत माँ लक्ष्मी का ध्यान करते माँ के श्रीविग्रह के सामने गाय का घी का दीपक जलाइए, पीले पुष्प अर्पित करिए। तत्पश्चात सदानुसार 5, 7 या 11 विधवा महिला को श्रद्धापूर्वक भोजन कराइए, श्वेत वस्त्रों का दान दीजिए और दक्षिणा दीजिए, निराशा से पीछा छूट जाएगा, नमन। बात करते हैं नुस्खों की। यदि मंदांगनी है तो हरड़ का चूर्ण, गुड़ और सेंधा नमक बराबर मात्रा में ले लीजिए, इसको दिन में 2-3 बार या 2 बार सेवन करके भूख लगने लगेगी और आराम से खाना पच भी जाएगा, बहुत सुंदर नुस्खा है, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखा देना भाई, नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, गोचर ठीक रहेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा, समय पर गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, चिंताजनक जो वातावरण है उसे राहत मिलेगी और धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, परिश्रम के द्वारा बिखरे हुए कार्य को समेटने का अवसर मिलेगा और आर्थिक स्थिति संतोष पर रहेगी, दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, कोई भी कार्य बड़े बुजुर्गों की मशवरे से करेंगे तो सफलता दामन चुमाएगी, क्या ना करें, व्यर्थ के चक्रों में आज ना पड़े, नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, गोचर थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मानसिक सुख चैन में कमी आएगी, कार्य क्षेत्र में सहयोग नहीं मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त नहीं होगा और ज्ञान कानून ढंग से कोई कार्य करेंगे तो सजा मिल सकती, सावधानी अपेक्षित, छोटा सा उपाय है, आज गरीब निधन विधवा स्त्री को श्रद्धा अनुसार उड़द की दाल दान दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। क्या करें, भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाएं,
क्या ना करें, अनजान व्यक्ति पर आज भरोसा ना करें, ना मना रहे। और आप चाहते हैं कि अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ बचे, तो हर शनिवार को किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का दान दे देना, चार शनिवार जरूर दे देना। नमन अनुवाद करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उचित समय का लाभ मिलेगा, आपकी युक्ति और शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे, व्यापार नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगा, दिन अच्छा बीतेगा, दिन बड़ा शुभ बीतेगा। आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा पड़ा है, दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा। क्या करें, कार्य और वार्ता की गोपनीयता बनाकर रखें, क्या ना करें, स्वजनों के हित की अनदेखी न करें, न मना रहे। और आप चाहते हैं कि अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ बीते, छोटा सा उपाय, हर गुरुवार को श्रद्धानुसार देसी घी गरीब निर्धन स्वाघन स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट मिटेगा, न मना। ये था 12 के 12 राशियों का राशिपुंज नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, विचार है मेरे, लादने का स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास और आपके पास रहेगा। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कैसे डिप्रेशन से बाहर आए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र दर्शनों के लिए जाती था, हमने चलूंगा, ना मना रहे। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी मन विचलित रहता है, जातक हमेशा डिप्रेशन में रहता है, मनोबल कमजोर रहता है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, किसी के सामने अपनी बात रख नहीं पा रहा है। आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य दृश्य समय, जब सूर्य आधा बार हो, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, जल में जल, गंगा जल और कच्चा दूध जरूर हो। ओम सनातनाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें, सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं आज के जीवन मंत्र की। मनुष्य का श्रम से बड़ा कोई अच्छा मित्र नहीं होता है, तुम श्रम श्रम के अच्छे मित्र बनो, जब भी मौका मिले अपनी तारीफ करने से मत चूको। श्रम में ईश्वर को देखना ध्यान है, और दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है, और सर्वत्र ईश्वर को देखना ज्ञान है। हर परिस्थिति में आनंद में रहना अपने आप में एक कला है, और ये गुरु महाराज की कृपा से आती है। नमनान, ये समय प्रभु के दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। जय शनि देवा, हरि ओम तत् सत्, 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 जय शनि देवा, आप सभी ने प्रभु दर्शन किए, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, शुभ बार का राशि, महादेव को कैसे मनाए, पूछा और मंत्र, जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगती हूं, अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।
है।